नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर एंड स्फेरिकल कर्वेचर पार्ट 4। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे। तो देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। इफ आर इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर कैपिटल आर, देन सो डैट कैपिटल आर इज इक्वल टू टी कैप क्रॉस टी कैप डबल डैश बाय के स्क्वेयर इंटू टू का मॉडुलस, वेयर के क्या है, दिस इज कर्वेचर एंड टो इज टॉर्जन। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। वी नो डेट जो टी कैप है, सैरेट फर्नेट फॉर्मूले से हमने पढ़ा था के इंटू क्या होता है एन कैप, टी कैप डैश पढ़ा था हमने। तो टी कैप डबल डैश क्या हो जाएगा, दिस इज के इंटू एन कैप डैश प्लस के डैश इंटू एन कैप। ठीक है, डेट इज टी कैप डबल डैश किसके इक्वल आ जाएगा, के इंटू, अब एन कैप डैश किसके इक्वल होता है, टो बी कैप माइनस के टी कैप प्लस में के डैश एन कैप। ठीक है, अब देखो जो हमें प्रूव करना है टी कैप क्रॉस टी कैप डबल डैश, तो पहले टी कैप डबल डैश आ गया, तो अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, टी कैप क्रॉस टी कैप डबल डैश, तो ये क्या आ जाएगा, टी कैप क्रॉस के इंटू टो बी कैप माइनस के इंटू टी कैप प्लस में के डैश इंटू एन कैप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, के टो पहले आ जाएगा, टी कैप क्रॉस बी कैप, ठीक है, माइनस के बार आ जाएगा टी कैप क्रॉस टी कैप प्लस के डैश बार आ जाएगा, ये टी कैप क्रॉस एन कैप आ जाएगा। ठीक है, अब ये टी कैप क्रॉस टी कैप तो क्या है, जीरो के इक्वल, और टी कैप क्रॉस बी कैप किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज माइनस के एन कैप के, ये माइनस एन कैप, ये वाला पोर्शन जीरो। ठीक है, तो टी कैप क्रॉस एन कैप किसके इक्वल आता है, दिस इज इक्वल टू बी कैप, तो दिस इज के डैश इंटू बी कैप, तो आपकी वैल्यू आ गई टी कैप क्रॉस टी कैप डबल डैश, दिस इज इक्वल टू माइनस के टू एन कैप प्लस में के डैश बी कैप। ठीक है, अब टी कैप क्रॉस टी कैप डबल डैश को हम के स्क्वेयर टो से डिवाइड करते हैं, तो दिस इज माइनस के टो के स्क्वेयर टो एन कैप प्लस के डैश बी कैप बाय के स्क्वेयर टो आ जाएगा, एक के से एक के टो से टो कैंसिल। ठीक है, और वन बाय के बचेगा, उसको हम लिख सकते हैं रो एन कैप प्लस, अब के किसके इक्वल है, के तो है वन बाय रो, तो के डैश किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के वन बाय रो स्क्वेयर इंटू में रो डैश, तो ये प्लस की बजाय अब इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस के रो डैश बाय रो स्क्वेयर इंटू अब हम टो को क्या लिख सकते हैं, टो को लिख सकते हैं वन बाय सिग्मा, ये सिग्मा ऊपर आ जाएगा और के स्क्वेयर का ऊपर जाके वन बाय के स्क्वेयर की जगह हम क्या लिख सकते हैं रो स्क्वेयर, दिस इज बी कैप, तो ये रो स्क्वेयर से रो स्क्वेयर कैंसिल। ठीक है, तो माइनस इधर ले आते हैं, माइनस के t
टी कैप क्रॉस टी कैप डबल डैश अपॉन में के स्क्वेयर टू, दिस इज इक्वल टू रो एन कैप प्लस सिग्मा रो डैश बी कैप। ठीक है, तो अब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर कर लेते हैं, टी कैप क्रॉस टी कैप डबल डैश अपॉन में के स्क्वेयर टू, मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर करें तो क्या आ जाएगा, दिस इज रो एन कैप प्लस में सिग्मा रो डैश बी कैप डॉट क्या आ जाएगा, रो एन कैप प्लस सिग्मा रो डैश बी कैप। ठीक है, तो इसको फर्स्ट से करोगे, दिस इज रो स्क्वेयर एन कैप डॉट एन कैप वन, एन कैप का बी कैप के साथ जीरो, बी कैप का एन कैप के साथ जीरो, प्लस क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वेयर रो डैश का स्क्वेयर और बी कैप क्रॉस बी कैप डॉट बी कैप क्या आ जाएगा वन के इक्वल। तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वेयर, ये कैपिटल आर स्क्वेयर के इक्वल है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा कि भाई टी कैप क्रॉस टी कैप डबल डैश अपॉन में के स्क्वेयर टू, दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये प्रूव करना था हमें। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो डैट द रेडियस कैपिटल आर ऑफ द स्फेरिकल कर्वेचर दिस इज गिवन बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल टू रो की पावर फोर सिग्मा स्क्वेयर आर ट्रिपल डैश का स्क्वेयर माइनस के सिग्मा स्क्वेयर, ये प्रूव करना है अभी हमें। तो देखो किस टाइप से प्रूव करेंगे हम, तो वही वी नो डेट जो टी कैप डैश है वो क्या होता है के इंटू एन कैप, और टी कैप डैश को हम लिख सकते हैं आर डबल डैश। ठीक है, तो एन कैप बाय रो कर लिया इसको, तो अब इसका ट्रिपल डैश निकालें तो क्या आ जाएगा, वन बाय रो एज टीज और एन कैप डैश और माइनस के वन बाय रो स्क्वेयर और रो का क्या जाएगा, रो का हम लिख सकते हैं रो डैश और एन कैप एज टीज। ठीक है, अब वन बाय रो तो ठीक है, अब इसमें जो एन कैप डैश है उसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज टू बी कैप माइनस के टी कैप माइनस के वन बाय रो स्क्वेयर रो डैश एन कैप। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो टो बी कैप बाय रो माइनस के बाय रो टी कैप माइनस वन बाय रो स्क्वेयर रो डैश एन कैप। ठीक है, अब इसको हम ट्रिपल डैश की वैल्यू है टो की वैल्यू पुट कर देंगे वन बाय सिग्मा, तो रो सिग्मा होगी और माइनस के की जगह वन बाय रो स्क्वेयर, तो रो स्क्वेयर टी कैप माइनस के रो डैश रो स्क्वेयर एन कैप, ये आ चुका है। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम क्या लिख सकते हैं, आर ट्रिपल डैश का स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाय सिग्मा रो बी कैप माइनस वन बाय रो स्क्वेयर टी कैप माइनस रो डैश सिग्मा स्क्वेयर एन कैप डॉट क्या आ जाएगा, वन बाय सिग्मा रो बी कैप
माइनस वन बाय सिग्मा रो स्क्वेयर टी कैप माइनस रो डैश बाय रो स्क्वेयर एन कैप। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा वन बाय सिग्मा स्क्वेयर रो स्क्वेयर प्लस वन बाय रो की पावर फोर प्लस रो डैश स्क्वेयर बाय रो की पावर फोर। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड बाय सिग्मा स्क्वेयर एंड रो की पावर फोर से, तो क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वेयर रो की पावर फोर आर ट्रिपल डैश का स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर रो स्क्वेयर प्लस रो डैश का स्क्वेयर सिग्मा स्क्वेयर प्लस में सिग्मा स्क्वेयर। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, जो फर्स्ट वाला है ये तो होता है कैपिटल आर स्क्वेयर और प्लस में क्या हो गया सिग्मा स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी रो की पावर फोर सिग्मा स्क्वेयर आर ट्रिपल डैश का स्क्वेयर माइनस के सिग्मा स्क्वेयर, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही प्रूव करना था। तो देखो अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द कर्वेचर एंड टोर्जन ऑफ द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर। ठीक है, तो देखो किस टाइप से करते हैं। लेट कैपिटल सी बी द ओरिजिनल कर्व आर, आर क्या है आर एस का फंक्शन, एंड कैपिटल सी वन दिस बी द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं जो आर वन है दिस डिनोट the position vector of the center of spherical curvature corresponding to the position vector R of the point on the original curve C। ठीक है, तो उस केस में जो R1 हमने पहले फाइंड आउट कर रखा है वो किसके इक्वल है R प्लस में रो n कैप प्लस में सिग्मा रो डैश b कैप। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम एस वन के ही रिस्पेक्ट में आर डैश सिग्मा एन कैप डैश रो एन कैप डैश प्लस में रो डैश एन कैप प्लस में सिग्मा डैश रो डैश बी कैप
प्लस में सिग्मा रो डबल डैश बी कैप, प्लस में सिग्मा रो डैश बी कैप डैश, और बाहर क्या आ जाएगा, दिस इज डी एस अपॉन डी एस। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाता है हमारा, ये बन जाता है टी वन कैप, दिस इज टी कैप प्लस सिग्मा एन कैप डैश क्या है, टो बी कैप माइनस के टी कैप, प्लस में सिग्मा डैश एन कैप, सॉरी रो डैश एन कैप, प्लस अब है सिग्मा डैश रो डैश और सिग्मा रो डबल डैश, इन दोनों से हम बी कैप अगर कॉमन ले लें तो सिग्मा डैश रो डैश प्लस में सिग्मा रो डबल डैश बी कैप लिख दिया, प्लस में ये तो सिग्मा रो डैश एज इट इज, बी कैप डैश क्या होता है माइनस का टो एन कैप, और बाहर क्या आ गया डी एस बाय डी एस वन। तो देखो ये क्या बन जाएगा, दिस इज टी कैप प्लस रोटो बी कैप, अब ये हो गया बी रो इंटू के कैंसिल माइनस का टी कैप, प्लस में रो डैश एन कैप प्लस सिग्मा डैश रो डैश प्लस के सिग्मा रो डबल डैश बी कैप एज इट इज। अब ये सिग्मा और टो दोनों कैंसिल हो के वन, तो क्या आ जाएगा रो डैश एन कैप, और बाहर डी एस बाय डी एस वन, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, टी कैप भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास टी वन कैप क्या बचता है, दिस इज रो टो प्लस में सिग्मा डैश रो डैश प्लस में सिग्मा रो डबल डैश और बी कैप कॉमन डी एस बाय डी एस वन। ठीक है, तो टी वन कैप की क्या वैल्यू आएगी, दिस इज रो बाय सिग्मा सिग्मा डैश रो डैश प्लस में सिग्मा रो डबल डैश बी कैप डी एस बाय डी एस वन, इसको इक्वेशन नंबर वन ले लेते हैं। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ टी वन कैप डो टी वन कैप ये तो वन आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा रो सिग्मा सिग्मा डैश रो डैश प्लस में सिग्मा रो डबल डैश इसका स्क्वेयर, और डी एस बाई डी एस वन का स्क्वेयर, और बी कैप डॉट बी कैप क्या आ जाएगा वन के इक्वल। ठीक है, तो इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो डी एस वन बाय डी एस का स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज सिग्मा रो बाय सिग्मा प्लस में सिग्मा डैश रो डैश प्लस में सिग्मा रो डबल डैश का होल स्क्वेयर। स्क्वेयर को कैंसिल कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एस वन बाय डी एस इज इक्वल टू रो बाय सिग्मा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज सिग्मा रो डैश और इसका डेरिवेटिव, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। ठीक है, तो डी एस वन बाय डी एस है, इसको वन में यूज करते हैं, यूजिंग टू इन वन, तो हमारे पास टी वन कैप क्या बचेगा, जस्ट बी कैप, ये इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस वन, तो क्या आ जाएगा डी टी वन कैप बाय डी एस वन, दिस इज इक्वल टू डी बी कैप बाय डी एस वन करेंगे, एस वन के बजाय हमने क्या लिख दिया इसका,
पहले इसका एस के रिस्पेक्ट में और फिर एस का एस वन के रिस्पेक्ट में। तो ये तो हो गया बी कैप डैश इंटू डी एस बाय डी एस वन, ठीक है। तो डी टी कैप बाय डी एस वन तो क्या आ जाएगा, दिस इज के वन एन वन कैप, और इधर आ जाए माइनस का टो एन कैप डी एस बाय डी एस वन। इक्वेशन नंबर फोर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो ये आ जाएगा के वन स्क्वेयर इज इक्वल टू टो स्क्वेयर डी एस बाय डी एस वन का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब के वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टो डी एस बाय डी एस वन, टो इंटू वन बाय रो बाय सिग्मा प्लस सिग्मा डैश रो डैश प्लस में सिग्मा रो डबल डैश, ये हमने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो के वन की क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, के वन इज इक्वल टू टो बाय सिग्मा रो बाय सिग्मा प्लस में सिग्मा रो डैश का डेरिवेटिव, ठीक है। तो रो वन निकाल सकते हो, रो वन क्या हो जाएगा, रो वन इज इक्वल टू रो बाय सिग्मा प्लस में सिग्मा रो डैश का डेरिवेटिव अपॉन में टो है, टो को क्या लिख सकते हो, वन बाय सिग्मा, सिग्मा ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रो प्लस में सिग्मा और डी बाय डी एस ऑफ सिग्मा रो डैश, ठीक है। तो ये क्या आ गया है, दिस गिव्स द कर्वेचर ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर, यहाँ तक आ चुका है। अब जो के वन हमने फाइंड आउट, पहले तो कर्वेचर निकालना है, लोकस ऑफ कर्वेचर, इसको इक्वेशन नंबर हम सिक्स यूज कर सकते हैं, इसको फाइव यूज कर सकते हैं। तो देखो अब आगे क्या करना है हमें, अब जो फाइव है, यूजिंग फाइव इन फोर, तो जो एन वन कैप है वो आ जाएगा माइनस के एन कैप, जो फिफ्थ इक्वेशन है उसका अगर फोर्थ में यूज करें तो जो एन वन कैप बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, जस्ट एन कैप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं थ्री एंड सेवन, ठीक है। तो क्या आएगा, टी वन कैप क्रॉस एन वन कैप, दिस इज बी कैप क्रॉस माइनस के एन कैप, लेफ्ट साइड तो क्या आ जाएगा, दिस इज बी वन कैप और ये क्या आ जाएगा टी कैप, ठीक है भाई। टी वन और एन वन का क्रॉस क्या जाता है बी वन, और बी और माइनस एन क्या क्या आ जाएगा टी, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं भाई, ये साइक्लिक ऑर्डर में है, ये साइक्लिक ऑर्डर में है कि भाई मान लो ये एन कैप ले लिया, फिर क्या आ जाएगा बी कैप और ये क्या आ जाएगा टी कैप, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस वन, अब किस चीज़ के लिए कर रहे हैं ये डेरिवेटिव, अब हमें निकालना है टोर्चन, तो यहाँ क्या आ जाएगा डी बी वन कैप बाय डी एस वन इज इक्वल टू डी टी कैप बाय डी एस और डी एस बाय डी एस वन। तो लेफ्ट साइड तो माइनस के टो वन एन वन कैप, राइट साइड के एन कैप और ये डी एस बाय डी एस वन, एन वन कैप एन कैप इक्वल है तो माइनस के टो
ये तो नेगेटिव के इक्वल था ना, तो टो वन किसके इक्वल आ गया, के डी एस बाय डी एस वन। अब डी एस बाय डी एस वन हमने फाइंड आउट कर रखा है, तो टो वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू वन बाय रो बाय सिग्मा प्लस में सिग्मा रो डैश का डेरिवेटिव, और के किसके इक्वल है, वन बाय रो के। ठीक है, तो टोर्जन ऑफ सी वन क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू टोर्जन। ठीक है, ये टोर्जन आ गया हमारा। तो सिग्मा वन क्या आ जाएगा, वन बाय क्या होता है टो वन, इसको हम लिख सकते हैं रो बाय सिग्मा प्लस में सिग्मा रो डैश का डेरिवेटिव अपॉन में के। अब के किसके इक्वल होता है, वन बाय रो, रो से मल्टीप्लाई कर दो, रो स्क्वेयर बाय सिग्मा प्लस में रो डी बाय डी एस ऑफ सिग्मा रो डैश। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो प्रूव डैट द कर्व गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए साइन टी, वाई इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू ए कोस टी, दिस लाइज ऑन स्फीयर, स्फीयर पे लाई करता है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, आर आ गया आर डैश, हम ये कंप्लीट सोल्व करके लास्ट में क्या दिखा देंगे कि भाई कर्व लाइज ऑन द स्फीयर, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, इफ डी बाय डी एस ऑफ सिग्मा रो डैश प्लस में रो बाय सिग्मा किसके इक्वल प्रूव कर देंगे हम 0 के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, एक तो इसमें के कर्वेचर फाइंड आउट करें, कर्वेचर से क्या आ जाएगा, कर्वेचर से हमारे पास आ जाएगा रो, और फिर उसमें फाइंड आउट करते हैं टो, टो से क्या आ जाए, टो की वैल्यू आ जाएगी, टो से हम सिग्मा भी निकाल सकते हैं, तो इन सब की वैल्यू जिसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि भाई जो कर्व है वो कहाँ लाई करता है, स्फीयर पे। तो देखो सबसे पहले गिवन क्या है, ये है टू प्रूव, गिवन आर इज इक्वल टू ए साइन टी आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में ए कोस टी के कैप। तो आर डैश निकालें तो क्या हो जाएगा, ए कोस टी आई कैप प्लस में 0 जे कैप माइनस के ए साइन टी के कैप, और इनटू में क्या आ जाएगा, डी टी बाय डी एस। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, ये टी कैप के इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर वन लिख लेते हैं, टी कैप के इक्वल है। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें इसकी, तो टी कैप डॉट टी कैप वन आ जाएगा, दिस इज ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टी प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टी, और बाहर क्या आ जाएगा, डी टी बाय डी एस का होल स्क्वेयर। तो वन इज इक्वल टू यहाँ से ए स्क्वेयर बचेगा साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर वन, और ये डी टी बाय डी एस का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो डी टी बाय डी एस किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज वन बाय ए। अब डी टी बाई डी एस की वैल्यू हम वन में यूज कर लेते हैं, तो टी कैप की वैल्यू क्या आ जाती है, ए कोस टी आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के साइन टी के कैप, और दिस इज वन बाय ए, कैंसिल। तो टी कैप हमारा क्या आ गया, कोस टी आई कैप 0 जे कैप माइनस के साइन टी के कैप, इक्वेशन नंबर थर्ड।
टी कैप आ गया, अब टी कैप डैश किसके इक्वल आएगा, माइनस के साइन टी आई कैप प्लस जीरो जे कैप माइनस के कोस टी के कैप, और फिर आ जाएगा डी टी बाई डी एस, दिस इज वन बाय ए। ठीक है, अब जो टी कैप डैश होता है वो किसके इक्वल होता है, के इंटू एन कैप, के इंटू एन कैप होता है। तो अब क्या करेंगे हम, इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर लेते हैं, वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वेयर टी प्लस क्या आ जाएगा कोस स्क्वेयर टी, और बाहर क्या आ जाएगा वन बाय ए स्क्वेयर और पावर वन बाय टू। तो के एन कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाय ए। ठीक है, इसके मॉडुलस की वैल्यू है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा के, तो के इज इक्वल टू वन बाय ए है, इसका मतलब रो की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए के इक्वल, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, अब जो के की वैल्यू वन बाय ए आई है, इसको इक्वेशन नंबर फोर में हम पुट करें तो एन कैप क्या आ जाता है, एन कैप इज इक्वल टू माइनस के साइन टी आई कैप प्लस के जीरो जे कैप माइनस के कोस टी के कैप, और जो बी कैप होता है वो क्या होता है, टी कैप क्रॉस एन कैप, ये निकाल लेते हैं इससे, आई जे के ये आ जाएगा कोस टी जीरो माइनस के साइन टी, माइनस के साइन टी जीरो माइनस के कोस टी। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जे आ जाता है। ठीक है, तो ये बी कैप की वैल्यू जे है, तो बी कैप डैश किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, और बी कैप डैश क्या होता है, दिस इज माइनस के टो एन कैप, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो टो किसके इक्वल आ गया, जीरो के। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि भाई कर्व लाइज ऑन ए स्फीयर इफ डी बाय डी एस ऑफ सिग्मा रो डैश प्लस में रो बाय सिग्मा किसके इक्वल आ जाए, जीरो के। ठीक है, तो अब यहाँ पर पुट करते हैं क्या आता है, डी बाय डी एस ये तो आ गया सिग्मा, और रो डैश ए का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, भाई रो तो ए है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो प्लस में रो, ठीक है वन बाई सिग्मा मतलब टो, टो की वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के, तो ये सारा किसके इक्वल आ गया, जीरो के। हैंस कर्व लाइज ऑन ए स्फीयर।